देखिए अनुपात और समानुपात में बहुत तरह तरह का क्वेश्चन होता है, और ये तरह तरह का क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करने नहीं आया तो और परीक्षा में ये क्वेश्चन आ गए या इसके जैसे दूसरे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे ना। तो तुक्का मारने वाली जो आदत है, तुक्का मारने वाली जो मानसिकता बना रहे हो आप लोग, उस मानसिकता को, आदत को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये मानसिकता और आदत आपको काफ़ी पीछे ले जा करके पहुंचा देगी। तो आप अपने लाइफ में पीछे जाना चाहते हो कि आगे जाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो जो चीज़ें बताई जाएँ, चाहे मैं बताऊं, चाहे कोई यूट्यूबर बताए, चाहे कोई टीचर बताए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं किसी से आप जुड़े हो, वो आपको बेहतर चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। आप उसको बेहतर समझ के एक्सेप्ट करिए, ग्रहण करिए, उसको फॉलो करिए, उस पर अमल करिए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो ये नसीहत शुरुआत में मैं देता हूँ इसलिए ताकि आप लोग मेरी बात पर फॉलो करें, और जिस तरीके से कहा जा रहा है आप इसको तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए और सीखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अलग टाइप का है, बहुत ही अलग टाइप का है। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो, कितना है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, और आपसे पूछ दिया गया है, आपसे पूछ दिया गया है ए बटे बी अनुपाते बी बटे सी अनुपाते सी बटे ए, इसका मान बताना है आपको, इसका मान बताना है, और ऑप्शन आपके सामने किस तरीके के हैं। आप अगर ट्राई करना चाहें तो इस वीडियो को रोक कर ट्राई करिएगा, 4 9 16 और 8 9 24 और 8 9 12, ठीक है ना बेटा, ट्राई करिएगा 8 9 16। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, समझते हैं पहले। ए बी सी 2 3 4, अब बटा 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 करेंगे तो फिर बटे 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 में आएगा, बटे में करने के बाद उसको केवल पूर्णांक 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 में करना है। काम कितना है, ए बी सी का मान निकाल के यहाँ यहाँ रखेंगे तो बटा बन जाएगा, बटा बन जाने के बाद उसको हम पूर्णांक में चेंज करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए करते हैं, ए की जगह पर ए का वैल्यू कितना है 2, बी का कितना है 3, सी का कितना है 4, समझ गए। तो यहाँ 2/3 कर देते हैं अनुपाते, बी बटे सी यानी 3/4 कर देते हैं अनुपाते, सी बटे ए यानी 4/2 कर देते हैं, 4/2, ठीक है। 4/2 को चाहो काट के छोटा कर लो, काट के छोटा कर लो 2/1, ठीक है, कितना 2/1। अब इस चीज़ को उसमें कन्वर्ट करना है विदाउट बटा वाले में, तो ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया है कि नीचे 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 का लघुत्तम लेकर माइंड में रखिए, किसमें, माइंड में, टाइम बचाना है। तो 3 4 1 का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 12, कितना 12। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आ जाएगा, 3 4 12, 4 बार पढ़ने 12 आता है, तो आपको मिला 4, उस 4 का ऊपर गुणा करो, 4 2 8। अब इस 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 12 आएगा, 4 3 12, 3 बार पढ़ने पाएगा, उस 3 का ऊपर वाले में गुणा करके लिखो, 3 3 9। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आएगा, कितनी बार पढ़ोगे 12 आएगा, 12, एक बार ये में 12, तो 12 का ऊपर गुणा करो, 12 2 9 24, 8 9 24 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखा आपने मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने केवल ये 2 लाइनें लिखा है बस, ये तो सवाल है इतना, ये भी सवाल का हिस्सा, मैंने केवल 2 लाइनें, इन 2 लाइनों को हम 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा है, लाइन तो पूरा श्यामपट भरेंगे तब ना कहा जाएगा। तो जब आपको जानकारी रहेगी कि किस टाइप के सवाल को किस टाइप से हैंडल करना है, किस टाइप के दुष्ट आदमी को किस तरीके से समझा बुझा के रखना होता है, ये सारी चीज़ें लोग पहले से सोच के रखते हैं, तो आप भी सवालों में सोच के रखिए, भाई मुझे किस टाइप का मिलेगा तो मैं किस टाइप का सोल्यूशन करूँगा, ये होती है तैयारी। बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग रटना ये सब अलग चीज़ है, ठीक है ना। अब मैं अगला सवाल बताता हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगा, स्टाइल है उसमें, स्टाइल देखिए, काफ़ी ध्यान से देखें और इत्मीनान से देखें, लंबा चौड़ा सवाल है। ए रेशियो बी बराबर दे दिया है 1/2 3/8,
यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से ए टू जेड नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर इस तरीके से, 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। 2:3:8 और बी रेशियो सी बराबर दे दिया है कितना, 1:3:5:9। देखना ध्यान से, सी रेशियो डी दिया है, सी रेशियो डी दिया, हाँ सी रेशियो डी का मान दे दिया है कितना, 5/6 3/4, 5/6 3/4, ठीक है। अच्छा तो ए बी सी डी चारों पूछ रहा, वाह भाई वाह, पूछ रहा है भैया तू बताओ ए बी सी डी चारों का अनुपात वाला मान बताओ। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, आप लोग ट्राई करिए, रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए, ट्राई करिए, 4 6 8 10 4 6 8 10 ट्राई करके बताइए, 8 6 10 9, 8 6 10 9, 6 8 9 10, बहुत मज़ा आएगा इसको सीखने में, 6 4 8 10। चलिए अब देखिए, मैं समझाऊंगा, आप समझिए, अगर आपकी इच्छा है मुझसे पहले हल करने का वीडियो को रोक दीजिए, रोक के कर लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, मिला लीजिए क्या ऑप्शन सही है क्या गलत है, रोक के रखिए फिर मैं हल करता हूँ उसको, देखिए। चलो देखो, सबसे पहला काम, हम इस बिगड़ी हुई हालात को सुधारेंगे। बिगड़ी हुई हालात का मतलब ये हुआ कि हम इसको भिन्न से कन्वर्ट करेंगे पूर्णांक वाले अनुपात में, मतलब बटा हटा करके केवल इस तरह का सिंपल अनुपात बनाएंगे हम, समझ गए ना। तो बिगड़ी हुई हालात को पहले हम सुधार लेते हैं। तो 2 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, 8 होगा। तो लघुत्तम को दिमाग में रखना होता है, ए बी बराबर, लघुत्तम दिमाग में है 8, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 8 आएगा, 4 बार, तो 4 का ऊपर गुणा 4, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि लघुत्तम आएगा 8, 1 बार 1 का 3 गुणा 3। अब तुम्हारा बी सी देख लो, 3 9 का लघुत्तम 9 होगा, 3 से 9 में भाग देंगे, 3 3 9, 3 1 3 5। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप लोगों का स्पीड भी बना रहे। 6 4 का लघुत्तम 12 होगा, 6 2 12 2 5 10, और 4 3 12 3 3 9 10 9, ठीक है। अब जरा देखो हम ए बी सी डी कैसे निकालते हैं, ए बी निकला है अच्छी बात है, अब बी सी लाएंगे, ये बी सी को पूरा पूरा उठा के लाएंगे, इसके नीचे सेट करेंगे बी सी 3 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हम ए बी सी निकालने जा रहे हैं, ए बी सी बराबर क्या आने वाला है, ए बी हमने बी सी को इसके नीचे रखा, तो बी सी यहाँ से मिटा दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसे मिटाना ज़रूरी नहीं है,
लेकिन मैंने मिटाया थोड़ी जगह, आपको दिखेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला इसका पकड़ेंगे, तीन का गुणा सीधे ऊपर करेंगे और इसका गुणा सीधे इसमें भी करेंगे, यानी ये जो तीन है ऊपर भी टक्कर मारेगा और इसमें भी टक्कर मारेगा, समझिए ये स्ट्रेट गन है, इसमें बहुत ज़्यादा गोलियाँ आई, ऊपर वाले भी दाग दिए जाएंगे, इधर वाले भी दाग दिए जाएंगे, सेना आई है। तो तीन चौक 12 और तीन तरीका 9, ये दोनों जगह से वार कर दिया, अब ये थक जाएगा, सुस्ताएगा, अब इसकी बारी है ये, तो ये जो किनारे वाला है बॉर्डर पर, ये इसको केवल गुड़ा कराएगा, इसका गुड़ा इसमें केवल करेंगे, बस साइड वाले का साइड वाले से मतलब है बस। तो 5 × 3 = 15 आ गया, कितना आ गया 15, क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए। अब सीडी को लाइए इसके नीचे लगा दीजिए, सीडी को लाइए इसके नीचे लगा दीजिए, सी रेशियो डी बराबर 10:9, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ से मिटा सकते हैं, आप लोग ना मिटाइएगा, आप लोग वैसे रहने दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी यही रूल है, जो पहला वाला है ना ये वार करेगा, इसमें भी वार करेगा, इसमें भी वार करेगा, किल करेगा, ये पबजी है, ये अकेले सबको किल करेगा, पबजी वबजी बूझते हो ना तुम लोग, पबजी के बादशाह तुम ही लोग हो। ए बी सी डी चारों का अनुपात निकालने के लिए हम इनके नीचे सी डी लिख लिए हैं और हम अब किल करने जा रहे हैं, शूम शूम। तो 10 × 12 120, कहाँ है मेरा मोबाइल, ज़रा चुप हो जा। फिर 10 × 9 = 90, फिर 10 और 15 का गुणा 150, और फिर साइड वाले को मारेगा, ठीक है, और 15 × 9 कितना होता है 135। अब भाई इतना बड़ा बड़ा आ गया है, ऑप्शन में तो इतना बड़ा बड़ा नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, हम इसका भी सलूशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब कोई ऐसी संख्या ज़रा ढूंढ लो जिससे इसमें सब में भाग चला जाए, कोई ऐसी संख्या है जिससे सब में भाग जाए, यानी कोई ऐसी गोली है, कोई ऐसा किल करने वाला पबजी का कोई क्लाइंट है, कोई प्लेयर है जो इसको 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 सबको किल कर सके, किल करने मतलब काट सके, ठीक है। कितने से ये सब कट जाएंगे, कितने से कट जाएंगे पता है, नहीं पता है, चलिए काटते हैं 15 से ही, 15 × 120, 15 × 96, 15 × 2 = 15, 15 × 9 = क्या बात है, 15 × 8 = 120। अब देखो सब में भाग देने से बढ़िया है, पहला अनुपात 8 आ गया तो इसमें पहला अनुपात को इसमें किसमें 8, ये वाला, तो समझो यही आएगा आंसर, इसी को मार दो, बाकी भाग देने की जरूरत नहीं, टाइम बच जाएगा, ये सब दिमाग लगाना जरूरी है। आपने अगर प्रोसीजर सही किया है लास्ट में पूरा आंसर लाने की जरूरत नहीं है, पहले 8 आ गया तो पहले किसमें 8 है, इसी में है 8 पहले तो यही वाला आएगा, गारंटी है, टाइम बचाना इस तरह मार देना, लेकिन मैं पूरा करके दिखाता हूँ। 15 × 120, 15 × 96, 15 × 2 = 150, 15 × 9 = 135, 8 × 6 = 10, 9 × 8 = 10, 9 आ गया आंसर। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये बहुत ही अच्छा तरीका है, पबजी वाला स्टाइल, किल करने वाला स्टाइल आप लोग पहले से जानते हैं, और ज़रा इधर भी देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, मेरा नया चैनल मैथ मंडी है, इस पर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा सर्च मारते रहिए, ताकि आप लोग इस चैनल का भी थोड़ा थोड़ा रस लेते रहें, गर्मी में रस पीना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।